भावी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन देखो रहा भाई है ऐसा है, फिलहाल तो हमारी लड़ाई हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से है, जी। तो पहले बाबा मुख्यमंत्री जी हटें, हम लोगों का रास्ता साफ करें। और देखिए बाबा मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं, जो काम उनका है वो भी काम नहीं कर पा रहे। बताओ गैयों से क्या किसानों को बचा ले रहे हैं? आपके यहाँ तार लगा रखे होंगे किसान, कल मैं झांसी था, जी, एक जगह नहीं मिली मुझे जहाँ पर किसानों ने अपने खेतों को बचाने के लिए तार न लगाए। और फिर उत्तर प्रदेश में जिन इंजीनियरों को जल्दी पुल बनाना चाहिए था उन्हें सांड पकड़ने में लगा दिया है। टीचर्स को लगा दिया कि बहुत तैयार करेंगी वो, तो क्या कैसे आप तरक्की करेंगे? कम से कम 100 नंबर हमने बनाया था कि अच्छा चले, अरे इसके टायर ही बदल देते, इसका कुछ और बदल देते, स्टिकर लगा दिया 100 का 112 कर दिया। क्या बदलाव किया उन्होंने? अगर आपको भी कोई अच्छा नाम रखवाना हो तो दरखास्त हमें लिख के देना, मुख्यमंत्री जी से कह देंगे कि इनका भी नाम बदल दो। आपको सुझाव चाहें तो ये ले सकते हैं कि जाएं इनके नेता, इनके यात्रा करने वाले जितने भी इंजीनियर अगर इनके साथ हों तो, लेकिन इंजीनियरों को तो सांड पकड़ने में लगा दिया है। अगर इनके पास इंजीनियर्स हैं तो जाएं और गोमती को देख करके आएँ कि किस तरीके से साफ करना चाहते थे, वही तरीका है जो गंगा साफ हो जाएगी। हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, वो अपने इंजीनियर्स की टीम गोमती को भेजें, देखें कैसे काम हुआ है और वही इम्प्लीमेंट गंगा के किनारे हर शहर में कर दें, गंगा अपने आप साफ हो जाए। कांग्रेस का गठन किया था एओ ह्यूम, उन्होंने उनकी किताब अगर उठाओगे तो उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और सोचिए आज के मंत्री क्या कह रहे हैं कि शिक्षा से तो रास्ता ही बिगड़ जाता है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री हमारे ऐसे बन गए हैं। जो मुख्यमंत्री बन गए हैं उनका सबसे प्रिय काम था गाय बचाने का, बताओ सब इंजीनियरों को सांड के पीछे लगा दिया कि जाइए सांड हटाइए। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सांड बचा रहे हैं, उनके मंत्रियों से क्या उम्मीद करोगे? फिर सर रघुनाथ मंत्री हैं अलीगढ़ में, उनका बयान आया है कि जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर नहीं कुत्तों की तरह मारा जाएगा, थपना भी दिया जाएगा। मान लीजिए हम उनसे कहेंगे मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ और कागज में नहीं प्रूव कर सकता हूँ, हमारा क्या करेंगे वो? ये बीजेपी वालों से बच के रहिए, ये बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं।